लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। कड़ी सुरक्षा के बीच अदा हुई ईद उल अजहा की नमाज, प्रशासनिक अधिकारियों की रही पूरी नजर। कैंपों में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने दी गले मिलकर बधाई। अमन और चैन का माहौल रहा कायम। डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त और महापौर ने भी दी सबको ईद की शुभकामनाएं। फिरोजाबाद शहर में आज ईद उल अजहा की नमाज को लेकर बीते दिन से ही जिला एवं पुलिस प्रशासन ने कड़ी तैयारियां कर ली थी। डीएम सचिंद्र पटेल के निर्देशन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी कार्य पूरे कर लिए गए थे। वहीं आज सुबह जब नमाज स्थल पर जाने के लिए शहर के मुस्लिम समाज के लोगों का निकलना हुआ तो उनको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए ईदगाह और मस्जिदों को जाने वाले वाहन प्रतिबंधित रहे। बताते चलें कि आज बकरीद पर्व को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। शहर की ईदगाह मस्जिद, जामा मस्जिद, शाही मस्जिद पर नमाज को लेकर पूरी सतर्कता रही। जहां ईदगाह स्थल पर काफी संख्या में नमाज पढ़ने के लिए लोग एकत्रित हुए तो वहीं जामा मस्जिद व शाही मस्जिद पर भी यही नजारा रहा। नमाज अपने तय समय, जिसमें ईदगाह पर 8 बजे व जामा मस्जिद पर 8:15 और शाही मस्जिद पर 8:30 पर शुरू हुई और नमाज के दौरान लोगों ने अमन चैन की दुआ की। वहीं नगर निगम के कैंप में डीएम चंद्रविजय सिंह, एसएसपी सचिंद्र पटेल, नगर आयुक्त विजय कुमार और महापौर नूतन राठौर एवं विभिन्न राजनीतिक दलों, जिसमें भाजपा के कैंप में कई कार्यकर्ता के साथ ही अन्य कई कैंपों में लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। कड़ी सुरक्षा के बीच अदा हुई ईद। ईद उल जुहा है, वही सावन का आखिरी सोमवार भी है। किस तरह का फिरोजाबाद में व्यवस्था की गई है, ईद का किस तरह के रूप में मनाई जाती है, ईदगाह और सारे हिंदू बहुल क्षेत्र में हिंदू भाइयों का क्या सहयोग रहता है? देखिए, फिरोजाबाद में जिस तरह से मिक्स आबादी है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई पूरी कौमी एकता के साथ में यहाँ पर ईद का भी और जैसे सावन का आखिरी सोमवार है उसमें भी बहुत अच्छे से यहाँ पर आयोजन किया गया। प्रशासन पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं थी, उसको देख उसके साथ साथ बहुत ही अच्छा यहाँ पर ईद की नमाज हुई है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये भी हिंदू बहुल क्षेत्र है और मिक्स आबादी है और उसके साथ साथ यहाँ पर जैसे जो दुकानें लगती हैं और पूरा क्षेत्र है तो वो पूरा स्पेस देके हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं और एक कौमी एकता का संदेश देते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे भारत की जो एकता अखंडता है उसको दर्शाता है, उस संप्रभुता उसको भी दर्शाता है और बहुत ही अच्छा सभी सोसाइटी के लिए एक पूरा अच्छा मैसेज देता है कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम भाई जो हमारे देश के नागरिक हैं वो और बहुत ही अच्छा यहाँ पर संदेश दे रहे हैं वो एकता का। हिंदू मुस्लिम एकता, कौमी एकता की बात, फिरोजाबाद के लोगों को पाठ पढ़ाने की जरूरत है, फिरोजाबाद से और लोगों को सबक लेना चाहिए। फिर निश्चित रूप से फिरोजाबाद से सब लोगों को, जो बाकी क्षेत्र हैं सबको सीखने की जरूरत है। ये फिरोजाबाद सही में हिंदू मुस्लिम एकता का एक उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करता है बाकी समाज के लिए। क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ ईद उल अजहा की, और आज सावन का आखिरी सोमवार भी है। सभी जगहों पे व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है और हमें उम्मीद है कि सभी जगहों पे सकुशल सारे त्यौहार संपन्न हो, कहीं पे किसी प्रकार की शिकायत नहीं होगी। पुनः सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं नगर निगम की? देखिए, नगर निगम की पूरी टीम लगातार दो दिन से 2400 घंटे मेहनत कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से आज की ये नमाज अभी संपन्न हुई है। इसके साथ साथ नगर निगम द्वारा पूरे क्षेत्र में साफ सफाई की चाकचौंध व्यवस्था की गई। जो कुर्बानी के बाद के जो अवशेष हैं उनके लिए जगह जगह पर कंटेनर रखवाए गए हैं, गाड़ियाँ तैनात की गई हैं, टीम को तैनात किया गया है। इसके अलावा पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। प्रायः सुबह और शाम पानी की व्यवस्था थी, लेकिन कुर्बानी को देखते हुए दोपहर में भी आज पानी की व्यवस्था की गई है। तो हमारी टीम पूरे तरीके सतर्क है और हम लोग इस शहर के निवासियों को सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और हम कटिबद्ध हैं कि हम पूरी व्यवस्था उनको सुनिश्चित कर देंगे। इंटरनेशनल स्कूल फिरोजाबाद में शानदार खेल का मैदान, छोटे बच्चों के लिए खेलों की विशेष सुविधाएं, 60 कंप्यूटर सहित युक्त कंप्यूटर लैब, संगीत की अलग से शिक्षा, नृत्य सिखाने के लिए अलग से व्यवस्था, साइंस लैब, लाइब्रेरी की सुविधा आदि सुविधाओं के साथ संपूर्ण शिक्षा एवं बच्चों में संपूर्ण विकास के लिए समर्पित। बात के सभी नगर वासियों को, जैसा कि हम जानते हैं अगस्त का महीना है और सभी लोग जो है रक्षाबंधन आने वाला है, जन्माष्टमी है, ईद है और हमारा स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त को, तो सभी नगरवासियों को आईवी परिवार की तरफ से 15 अगस्त की, रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिरोजाबाद को साफ रखें, स्वच्छ रखें। धन्यवाद।